बॉलीवुड में आने के लिए मल्लिका शेरावत ने पति को दिया था तलाक। हीरोइन बनने से पहले करती थी ये काम। बॉलीवुड में इंटीमेट सीन और चुम्बन का दौर शुरू करने वाली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत आज अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मल्लिका ने साल 2003 में आई फिल्म ख्वाहिश से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में मल्लिका ने बोल्ड सीन देकर सनसनी मचा दी थी। फिल्म में मल्लिका ने 17 किसिंग सीन दिए थे। मल्लिका अब बॉलीवुड ही नहीं इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। मल्लिका शेरावत के जन्मदिन पर आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, उनका असली नाम मल्लिका नहीं बल्कि रीमा लांबा है। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर मल्लिका रख लिया था। मल्लिका ने हिंदी के अलावा इंग्लिश और चाइनीज फिल्मों में भी काम किया है। मल्लिका फिलहाल लंबे अरसे से लाइमलाइट से दूर हैं। एक समय था जब मल्लिका को बॉलीवुड की सेक्स सिंबल कहा जाता था। मल्लिका ने अपने करियर की शुरुआत भले ही फिल्म ख्वाहिश से की हो, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म मर्डर से मिली। फिल्म में मल्लिका के हीरो इमरान हाशमी थे। मल्लिका ने लव स्टोरी के अलावा कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। प्यार के साइड इफेक्ट्स, आपका सुरूर और डबल धमाल उनकी हिट कॉमेडी फिल्में थी। हॉलीवुड की बात करें तो मल्लिका ने हिस और पॉलिटिक्स ऑफ लव में काम किया। हिसार के एक छोटे से गांव में जन्मी मल्लिका ने पहले बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड तक का सफर तय किया। लेकिन फिल्मों में आने से पहले भी मल्लिका की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करना चाहती। पढ़ाई पूरी करने के बाद मल्लिका एक एयर होस्टेस के तौर पर काम करने लगी। यहीं उनकी मुलाकात पायलट करण सिंह गिल से हुई। काम के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर शादी कर ली। लेकिन मल्लिका के ऊंचे ख्वाब के आगे ये शादी टिक ना पाई। करण और मल्लिका की शादी करीब एक साल तक चली। इसके बाद मल्लिका ने करण से तलाक ले लिया। फिल्मों में काम करने के लिए मल्लिका हरियाणा छोड़कर मुंबई आ गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्लिका का एक बेटा भी है। कुछ समय पहले उनकी शादी की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन मल्लिका ने कभी अपनी शादी की बात नहीं स्वीकारी। जब मल्लिका ने बॉलीवुड में आने का फैसला किया तो उनकी फैमिली काफी नाराज हुई। लेकिन अब मल्लिका के घर वालों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है।